कैसे हो दोस्तों, मैं हूं राम। तो इस वीडियो में आपको किस तरह आप अपना प्रोडक्ट के लिए खुद आप एक लोगो बना सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो कई सारा लोग मुझे उनका लिस्टिंग का लिंक भेजते रहते हैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के कमेंट्स पर। तो जब मैं देखता हूँ, ऑफकोर्स ऑब्वियसली कई सारा रीजन रहता है, उनका लैक ऑफ नॉलेज से उनको सेल्स नहीं आता रहता है और भी कई सारा रीजन्स है। पर जब मैं उनका लिस्टिंग देखता हूँ तो लिस्टिंग तो डिसेंट रहता है, वो प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, फोटो सब कुछ डिसेंट रहता है, पर मेन रीजन है उनका प्रोडक्ट के ऊपर एक लोगो नहीं रहता है। तो लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अमेजोन पर सक्सेसफुली सेल करना है और आपका इनकम गोल्स आपको रीच करना है तो लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कई सारा पिछले वीडियोस में मैंने कहा, आप ना सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं जो आपका असेट बन जाता है। आगे आप जाकर किसी और कंपनी को आप उस ब्रांड को सेल कर सकते हैं। तो कई सारा बेनिफिट्स है लोगो लगाने से और एक ब्रांड बिल्ड करने से अमेजोन पर। और आपको आपके प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग करने के लिए कोई R&D टीम की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ब्यूटीफुल लोगो चाहिए और कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि कलर पे हुआ या कुछ डिजाइन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर छोटा मोटा, और एक कस्टम पैकेजिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए बहुत ही आसान है, आप इंटरनेट में आपको कई सारा सोर्सेस मिलेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको, हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप सोर्स करते हो आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सोर्स करना है। तो अगर आप इंपोर्टर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको ना सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन भी कम मिलेगा और आपको एक फ्रीडम भी नहीं रहता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, आप लोगो नहीं लगा सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। और कई सारा लोग अमेजोन पर सेल करने वाले लोग वो रिस्क उठाने के लिए रेडी नहीं है मैन्युफैक्चर से कॉन्टेक्ट करके लाने के लिए। तो इसीलिए उस पॉइंट को आपको कैपिटलाइज करना है। और आपको, और जैसा मैंने कहा, उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है आपको मैन्युफैक्चर से लाने के लिए प्रोडक्ट। और वैसे भी अगर हम देखते हैं सभी प्रोडक्ट ब्रांडेड ही है, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए एक नेम रहता ही है, और चाहे अमेजोन पर हुआ हो या लोकल ऑफलाइन स्टोर्स में हुआ हो। और अक्सर हम लोकली क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर लोगो रहता है उस प्रोडक्ट को ब्रांडेड कहते हैं। तो इसी पॉइंट को आपको कैपिटलाइज करना है अमेजोन पर भी। और अमेजोन पर हुआ हो या सारा ऑफलाइन स्टोर्स में हुआ हो, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, तो सभी जगह पे कस्टमर्स दो तरह के रहते हैं। ये कस्टमर्स जो कम प्राइस में खरीदने के लिए आते हैं, और दूसरा कस्टमर वो प्रीमियम कस्टमर्स है, मतलब उनको हमेशा प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही चाहिए जो जिसका प्राइस ज्यादा रहता है और प्रोडक्ट अनोखा रहता है बाकी प्रोडक्ट से। तो इस पॉइंट को भी आपको कैपिटलाइज करना है अमेजोन पे सेल करने के वक्त। और आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए मेन एस्पेक्ट है लोगो, तो इसीलिए आपको लोगो अच्छा तरीके से बनाना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ अमेजोन पर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने दो प्रोडक्ट खुला है, यहाँ आप देख सकते हैं बोल्ट फिट योगा मैट और एक कुछ नाम है इनका, यू फिट किट। तो इनका प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं कोई लोगो नहीं है, और उन्होंने लिस्टिंग तो डिसेंटली बना दिया है और उनका प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। और इनका प्रोडक्ट आप देख सकते हैं सेम प्रोडक्ट है, अगर आप कंपेयर करते हैं वो ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है क्वालिटी में और बाकी सारा एस्पेक्ट में, पर इन्होंने एक प्राइवेट लेबल की तरह बनाया है उनका, और इनका लिस्टिंग भी उनके तरह ही है, उतना डिफरेंशिएट नहीं है, पर उनके प्रोडक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं लोगो, आप देख सकते हैं बोल्ट फिट। और ज़्यादातर योगा मैट खरीदने वाले लोग वो ज़्यादा मतलब पैशनेट रहते हैं योगा के एक्सरसाइज के ऊपर, तो हमेशा उस तरह एक प्रीमियम प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, और इनका प्राइस भी आप देख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ही सेल कर रहा है, अच्छा सेल भी कर रहा है, और इनका रिव्यूज भी आप देख सकते हैं। तो डिफरेंस इन दोनों प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने डिजाइन में मॉडिफिकेशन किया है, अच्छा तरीके से लोगो बनाया है, कुछ डिजाइन किया है यहाँ। तो मैं बस ये एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अगर आप US मार्केट प्लेस में देखते हैं तो कई सारा प्रोडक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं जो प्राइवेट लेबल सेल करते हैं और होलसेल सेल करते हैं, होलसेलर सेल करते हैं। तो दोस्तों आपको अब पता चल चुका होगा कि क्यों लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर इंडस्ट्री में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप आसानी से आप खुद एक लोगो बना सकते हैं। तो लोगो बनाने से पहले एक्चुअली दो लोगो दो तरह के रहता है, एक मतलब एक डिजाइन की तरह रहता है जैसे कि एप्पल का लोगो हुआ, वरना आपका ब्रांड नेम ही आप लोगो बना सकते हैं जैसे कि सैमसंग हुआ। तो मैं हमेशा कुछ अलग डिजाइन प्रिफर करता हूँ, उससे एक क्यूरियासिटी बिल्ड होता है कस्टमर्स को, जैसे कि एप्पल का लोगो है। और दोस्तों लोगो बनाने से पहले आपका ब्रांड नेम यूनिक है कि नहीं आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली ऑफकोर्स आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसीलिए आपका नेम यूनिक रहना चाहिए। तो उसको किस तरह सर्च कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप IP इंडिया ऑनलाइन पब्लिक सर्च क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह पेज मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो पहला लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह आपको पेज मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ आपका नेम यूनिक है कि नहीं, आपका नेम पे किसी और ने ट्रेडमार्क लिए है कि नहीं चेक कर सकते हैं। तो मैं अपना नेम ही डाल देता हूँ यहाँ।
और ट्रेडमार्क क्लास तो यहाँ योगा प्रोडक्ट मैंने लिया था ना, तो मैं एग्जांपल के तौर में मैंने सर्च किया है योगा प्रोडक्ट्स का ट्रेडमार्क क्लास, तो 28 है, तो यहाँ क्लास में 28 एंटर कर देता हूँ। और यहाँ सर्च में यहाँ कंटेंट्स लगा देता हूँ वर्ड मार्क में और सर्च, तो यहाँ आप देख सकते हैं तो इतना है, पर सिर्फ रोनाल्ड पे कोई ट्रेडमार्क नहीं है, मैं बस एग्जांपल के तौर में मैं दिखा रहा था। तो मैं अब मेरा नाम पे ही एक लोगो बना देता हूँ, तो इस तरह आपकी नेम यूनिक है कि नहीं आप सर्च कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको आपका जो भी प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है उसका हिसाब से ट्रेडमार्क क्लास ढूंढ कर आपको सर्च करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप क्रिएटिव है, आप खुद बना सकते हैं आपके लोगो, आप खुद बना सकते हैं, वरना आप किसी और मतलब हायर कर सकते हैं, किसी कई सारा लोग मिल जाते हैं आपको फाइवर पे और अपवर्क.com पे, और आपका नज़दीकी में कई सारा सर्विस, कई इस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विस रहता है, तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आपका इमेजिनेशन बता के उनको लोगो बना सकते हैं। तो मैं हमेशा मैं अपना लोगो मैं खुद बनाता हूँ, और वैसे मैं कोई फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ नहीं करता, उसको यूज़ करना मुझे नहीं आता है, तो मैं एक सिंपल ऐप यूज़ करता हूँ मोबाइल पे, पिक्सल लैब, आपने सुना होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाता है, तो उस ऐप से मैं करता हूँ। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ किस तरह मैं करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं पिक्सल लैब ऐप। तो यहाँ सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमारा नेम दिख सके, तो उसके बाद यहाँ मैं अपना नेम लिख देता हूँ। और मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, एक्चुअली मैं सिर्फ आर कर देता हूँ। और यहाँ कई सारा ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं थोड़ा पैडिंग इसका बड़ा कर देता हूँ, यहाँ फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी फॉन्ट पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद और आप चाहे तो टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास एक टेक्सचर है जो गोल्ड का है, तो उसको मैं यूज करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, और उसके बाद इस मेंटेन रेशियो को यहाँ एनेबल करके आप चाहे तो मूव कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। और यह एम्बॉस लगाने से और भी अच्छा दिखता है, ग्लो आता है प्रोडक्ट के ऊपर। बस आपको आपका इमेजिनेशन यूज करना है, आप कहीं जगह से आप आइडियाज ले सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो लेटर ऐड किया था ना, तो मैं यम को पीछे डाल देता हूँ, उसके बाद पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल का लोगो रेडी कर रखा है, तो ऑफ कोर्स कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है। आप चाहे तो इस तरह सिंपल ऐप में आप लोगो क्रिएट करके आप किसी फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेशन जानने वाले के पास जाकर फिनिशिंग टच दे सकते हैं, और उसको मैं इसको एक्चुअली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना है आपको,
तो यहाँ आप देख सकते हैं। और इस तरह करने के बाद आप यहाँ सेव सेव एज इमेज पे सेलेक्ट करके, यहाँ PNG सेलेक्ट करके अगर आप सेव टू गैलरी क्लिक करते हैं तो सेव हो जाता है। तो इस तरह आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा, आपको लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोगो लगाने से बहुत ही सारा बेनिफिट्स है। और अगर आपके पास एक अच्छा लोगो है तो आप कंपटीशन को आसानी से बीट कर सकते हैं। मैंने 2019 पे जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट पे सिर्फ 7 रिव्यूज था, और मेरे साइड बाय साइड फर्स्ट पेज में और एक प्रोडक्ट था जिसका 650 रिव्यूज था। तो चाहे मेरा प्रोडक्ट नया हो और मेरा पास कम रिव्यूज था, तो मैं फिर भी सेम इक्वली सेल कर रहा था फर्स्ट पेज पे। तो इतना सब कुछ बेनिफिट्स है आपको लोगो लगाने से। और प्राइवेट लेबलिंग का यही मतलब है कि आपको कुछ प्रोडक्ट पे डिफरेंशिएशन लाना ही चाहिए। सिर्फ आपको कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं उसको सेम प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है अमेजोन पर, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और कई सारा बिगिनर्स एक्चुअली मतलब पहले स्टार्ट करने के वक्त ये सब कुछ नहीं करते हैं। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, आप लोगो नहीं बना सकते हैं, आप आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी और से बना सकते हैं, उसमें ऑफकोर्स आपको थोड़ा कॉस्ट हो जाएगा। और अगर आपको उससे सेल मिलता है प्रोडक्ट को, तो एक दिन में ही आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा था उससे ज्यादा आ जाता है आपको। तो इसको आपको सोचना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, कई बिगिनर्स 100 यूनिट्स मंगवाते हैं, फिर जाके उनको पता चलता है कि उनको लोगो लगाना चाहिए था, कुछ डिफरेंशिएट करना चाहिए था, पर उस वक्त वो स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 100 यूनिट्स बच चुका है। पर उससे आपको मनी वेस्ट हो जाएगा, पर उससे इम्पोर्टेंटली आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपको करना ही चाहिए जो इम्पोर्टेंट है अमेजोन FBA में सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आप सीरियस है अमेजोन FBA करने के लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए जिससे कई सारा लोगों को अच्छा रिजल्ट्स मिला है, तो मेरा मेंटरशिप का प्रोग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसमें मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।